दोस्तों, सांपों का नाम सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रतिवर्ष सांपों के काटने से तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। आज हम इस वीडियो में सांपों से संबंधित फैक्ट लाए हैं जिन्हें जानकर हर कोई चौंक जाएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12। दुनिया में करीब 3400 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से लगभग 300 प्रकार के सांप ही खतरनाक होते हैं। सांपों का विकास लगभग 174 मिलियन वर्ष पूर्व छिपकली से हुआ। सांप का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म एओफिस अंडरवुड नामक एक छोटा सांप था, जो 167 मिलियन साल पहले दक्षिणी इंग्लैंड में रहता था। नंबर 11। एक अनुमान के मुताबिक सांपों के काटने से प्रति वर्ष 80,000 से लेकर 1,40,000 तक लोगों की जान जाती है, और इनमें से अधिकतर लोग दक्षिण पूर्व एशिया के होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष लगभग 8,000 व्यक्तियों को सांप काटते हैं, लेकिन समय पर और बेहतर इलाज से उनमें से 10 व्यक्तियों से भी कम की जान जाती है। नंबर 10। एक वयस्क मनुष्य में 24 पसलियां और 206 हड्डियां होती है। सांप में 33 पसलियां और 1200 हड्डियां होती है। सांपों के बाहरी कान नहीं होते, लेकिन उनके आंतरिक कान होते हैं जिनके जरिए वे संतुलित हो पाते हैं। सांपों की चिकनी सूखी त्वचा होती है। सांप की त्वचा केरोटिन से बनी होती है। इसी प्रकार के केरोटिन से इंसानों के नाखून और बाल भी बने होते हैं। और एक खास बात यह भी है कि सांपों की पलकें नहीं होती है। नंबर 9। सांप अपने शिकार को पूरा निगल सकते हैं। वे अपने सिर के 10 गुना बड़ा शिकार को भी निगल जाते हैं। सांप अपना मुंह 150 डिग्री तक खोल सकते हैं। अजगर में जहर नहीं होता है, वह अपने शिकार को कुंडली में लपेट कर निगलता है। नंबर 8। 70% सांप की प्रजातियां अंडे देती है, जबकि 30% सांप बच्चे देते हैं। नंबर 7। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर सांप इंसानों को नहीं काटना चाहते हैं। सांप केवल अपनी सुरक्षा करने के लिए ही काटता है। नंबर 6। समाज में सांपों को लेकर कई भ्रांतियां फैली है। अंधविश्वास के चलते कुछ लोग सांपों की पूजा करते हैं, तो कुछ सांप को भूत और शैतान समझते हैं। नंबर 5। दोस्तों, आपको यह जानकर जरूर आश्चर्य होगा कि सांप अंटार्कटिक महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीप पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें दुनिया के 10 सबसे विषैले सांप भी शामिल है। नंबर 4। सांप को विशेषकर सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे तो सभी जीवों को सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सांप बिना गर्मी के अपना भोजन नहीं पचा पाता है, इसलिए वह अक्सर धूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निकलता है। नंबर 3। सांप अपनी केचुली को वर्ष में कई बार निकालता है। सांप को केचुली निकालने में कई सप्ताह लग सकते हैं, और केचुली उतारने के बाद सांप बेहद कमजोर हो जाता है। नंबर 2। सांप अपनी कांटेदार जीभ का उपयोग गंध लेने के लिए करते हैं। वे अपने शिकार की खोज अपनी जीभ के माध्यम से कर सकते हैं। नंबर 1। दोस्तों, सांप का व्यापार भी होता है। कई लोग सांपों को पकड़कर उन्हें बेच देते हैं, और फिर इन सांपों की चमड़ी और अन्य भागों से वस्तुएं एवं दवाओं का निर्माण किया जाता है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ही सालाना लगभग 1,00,000 अजगर और 30,000 बोवा सांप आयात करता है। इस प्रकार धीरे धीरे जंगलों से सांप गायब होते जा रहे हैं, जिससे इंसानों को भी खतरा है। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।